हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टूडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसपीएसएस के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं, कि किसी गिवन डेटा सेट को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो उसके लिए एसपीएसएस में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक बार हम कुछ जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं एसपीएसएस के अंदर। तो एक मेथड है हमारा मीन, मीडियन और मोड, जो कि हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो हम ये मानते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मीन, मीडियन, मोड के साथ साथ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो कर्व होती है, जो नॉर्मल कर्व होती है, उसके द्वारा भी नॉर्मल कर्व की हेल्प से भी हम हमारे डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अगर हमारी नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि मीन, मीडियन और मोड जो है वो रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करवाते हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, क्योंकि जो ये मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज से। और अगर मैं एसपीएसएस की लैंग्वेज में कहूँ तो जो आउटलायर्स होते हैं, ये आउटलायर्स इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो दूसरा टेस्ट है हमारा स्क्यूनेस और कर्टोसिस है, जो कि हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही टेस्ट होते हैं। स्क्यूनेस हमारी जो कर्व है, नॉर्मल कर्व है, वो लेफ्ट या राइट में स्क्यूड तो नहीं है, उसको प्रेजेंट करता है, जबकि कर्टोसिस उसकी हाइट को प्रेजेंट करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टेस्ट है कोलमन ग्रोस मिनरो का जो टेस्ट है, ये स्पेशली टेस्ट है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन, मीडियन, मोड और नॉर्मल कर्व से। तो चलिए पहले एक बार हम हमारा जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स का डेटा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएमआई लिखा गया है, मेल और फीमेल का। और हमारे पास टोटल 100 सब्जेक्ट्स का डेटा है, 100 फॉर मेल और 100 फॉर फीमेल। तो हम ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा ये गिवन डेटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, क्योंकि जब भी हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं दैट योर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो जो है रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो रिलायबल होगा। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमारे मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, मीडियन और मोड को फाइंड आउट करने के लिए आपको एनालाइज टैब के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें जो ये वेरिएबल्स वाला कॉलम है, वेरिएबल्स वाला जो बॉक्स है, इसमें हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं बीएमआई मेल और फीमेल वाले, इनको इसमें पुट कर देते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस स्टैटिस्टिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक सेपरेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें जो मेजर्स हैं वो सेपरेटेड हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के अलग हैं मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन के अलग हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस जो हमारी वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग हैं स्क्यूडनेस और कर्टोसिस। फिलहाल हम मीन, मीडियन और मोड को ही इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चार्ट्स पर जाएंगे और चार्ट्स में हिस्टोग्राम पर क्लिक करेंगे और उसके नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम। आप अगर खाली हिस्टोग्राम देखना चाहते हो तो आप हिस्टोग्राम पर क्लिक कीजिए। अगर आप उसके साथ नॉर्मल कर्व को भी देखना चाहते हो तो जो ये नीचे चेक बॉक्स है इसको आपको चेक करना होगा, शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम। तो चलिए एक बार ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, अभी हम फ्रीक्वेंसीज का कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसको अनचेक कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आउटपुट टेबल आएगी। आउटपुट टेबल में देखिए पहली टेबल है हमारी स्टैटिस्टिक्स की और उसमें देखिए मीन, मीडियन और मोड, जो मेल के मीन, मीडियन और मोड हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, 19.61, 19.37 और 19.58, जबकि जो फीमेल में लिटिल बिट डिफरेंस है 21.03 और 20.82 और 19.16। अगर ओनली हम मीन, मीडियन और मोड जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं अगर इन पर बेस्ड हों और रिजल्ट्स कुछ कहें तो हम कह सकते हैं कि जो मेल की बीएमआई का जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि जो फीमेल की का डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
जबकि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उनका इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सबसे सिंपल मेथड था हमारा मीन मीडियन मोड के थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने का। तो उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा बीएमआई, सॉरी जो हमारी नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व को चेक करते हैं। अगर ये कर्व आपकी बेल शेप्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में ये अप्रोक्सीमेटली बेल शेप्ड लग रही है, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप सिंपली इसको सिर्फ कर्व को देखना चाहते हो और जो बार ग्राफ है पीछे, जो ये बार्स हैं, इनको आप रिमूव करना चाहते हो, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए ग्राफ पर, और जो ये पीछे का जो कलर है इस कलर को भी आप रिमूव कर दीजिए, और जो ये बार्स हैं बार्स में भी नो फिल है उसको हटा दीजिए, और उसके बाद जो ये इसके बॉर्डर्स हैं आप इसको भी हटा दीजिए। तो उसके बाद देखिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व शो होगी। इस कर्व से आप देखा, आप सिंपली देख सकते हो कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ये बेल शेप्ड है या नहीं है। तो जैसा हम बात कर रहे थे, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, लिप्टोक्रेटिक ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप हिस्टोग्राम की हेल्प से और नॉर्मल कर्व विद हिस्टोग्राम की हेल्प से भी आप नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस की। जैसा कि हमने यहाँ बात की थी, ये मीन मीडियन मोड और नॉर्मल कर्व तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद सेकंड मेथड हमारा स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो चलिए स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालने के लिए दोबारा से हमें एनालाइज टैब पर जाना होगा, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको मिलेगा एक्सप्लोर। आप फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लोर में आपको जो हमारा एक और टेस्ट था कोलमोनोग्राफ का टेस्ट था वो भी आप यहाँ पर मिल सकता है आपको। तो इसके लिए आपको जो डिपेंडेंट लिस्ट है, इसमें जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दोनों आप इसमें पुट करो। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पर देखो, डिस्क्रिप्टिव पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद प्लॉट्स हैं, नॉर्मल जो कर्व थी हमारी उसके अलावा भी कुछ प्लॉट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट तो हमारा हिस्टोग्राम ही है जो हमने किया था। उसके बाद नीचे हमारा नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। ये जो हमने यहाँ पर बात की थी कोल्मोग्रोर जो बात की थी, ये वही टेस्ट है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट। तो इसको चेक करने के लिए आपको ये नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड होंगे आपको। तो ये देखिए पहली जो टेबल होगी वो होगी आपकी केस प्रोसेसिंग समरी की। ये सिंपली ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके कितने तो पार्टिसिपेंट थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि इसमें 100 थे, 100 मेल के लिए और 100 फीमेल के लिए। कोई मिसिंग होगा अगर उसके अंदर डेटा में तो ये उसको शो करेगा यहाँ पर मिसिंग वाले कॉलम में, और टोटल परसेंटेज शो करेगा कि कितना परसेंटेज आपकी डेटा का है। तो इसके बाद आपकी सबसे मेन टेबल डिस्क्रिप्टिव का टेबल। इस टेबल में देखिए मीन है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लोअर अपर बाउंड है, मीडियन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज। उसके बाद है हमारा स्क्यूनेस और कर्टोसिस। मीन मीडियन मोड को हम पहले भी मेजर कर चुके हैं, अब हम मेजर करते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस को, देखते हैं कि इसका क्या मीन है। तो देखिए जब आप स्क्यूनेस की बात करते हैं तो एसपीएसएस आपको दो जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रोवाइड करवाएगा। एक तो इसकी एक्चुअल वैल्यू स्क्यूनेस की, वो जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला जो कॉलम होगा उसमें शो होगी आपको एक्चुअल वैल्यू, और उसका स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू स्क्यूनेस की, उससे जो अगला जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। तो आपको करना क्या है कि जो स्क्यूनेस की वैल्यू है आपकी उसको डिवाइड करना है आपको उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से। तो जो आउटपुट आएगा उसको ये कहते हैं हम जेड वैल्यू, वो वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1.96 और अप्रोक्सीमेटली हम कहें तो 2 से कम होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो ये स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू है इसको डिवाइड करना है आपको स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से। ये वैल्यू जो भी आउटपुट आएगा वो आपका 1. प्लस माइनस 1.96 से वो वैल्यू कम होनी चाहिए। तो एक बार कैलकुलेटर में हम इन्हें कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए स्क्यूनेस की जो स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू है वो है 0.5
19, उसको आपको डिवाइड करना है उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से, जो है 0.241। तो जो ये वैल्यू आएगी ये आपकी 1.96 से, 1.96 प्लस माइनस 1.96 से कम होनी चाहिए, जबकि इस केस में तो ये ज़्यादा है वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो स्क्यूड है किसी न किसी तरफ, वो पॉजिटिव या नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है आपकी कर्टोसिस की वैल्यू, सेम वे से जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है कर्टोसिस की, वो आपकी -0.204, उसको आपको डिवाइड करना है उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से, जो कि आपकी 0.478। ये वैल्यू आई आपकी -0.42, जो कि हमारी जो लोअर और अपर बाउंड थी प्लस माइनस 1.96, उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम कर्टोसिस के वे में अगर बोलें तो आपका डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि स्क्यूनेस शो कर रहा है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है। तो ये दोनों ही वैल्यू आपकी 1.96 से कम होनी चाहिए, उस वे में हम ये कह सकते हैं कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद ऐसे ही आप जो फीमेल का डेटा है उसको चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो टेबल है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में देखिए, ये जो कोलमोनोग्रोव की हमने बात की थी टेस्ट की, ये टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर शो होंगी इस टेबल में, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। ये हमारी नल हाइपोथेसिस पर वर्क करता है कि दैट अवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है इस टेस्ट के लिए। अगर ये आपकी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू, ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू, ये 0.05 से नीचे है, तो इट मीन्स आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर ये 0.05 से ऊपर है, ये मतलब अगर ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से हाइयर है, तो जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी, अगर वो इससे नीचे है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम इस डेटा की बात करें तो जो हमारा मेल का डेटा है वो, उसकी वैल्यू जो सिग्निफिकेंस की 0.036 है, जो कि लोअर है 0.05 से कम है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मेल का डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जबकि फीमेल की वैल्यू है वो 0.078, इट मीन्स इट इज़ हायर देन 0.05। तो जो हमारी हाइपोथेसिस है दैट अवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है। तो फीमेल का डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये टेस्ट थे हमारे नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ग्राफिकली भी देखना चाहो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो पहला हमारा हिस्टोग्राम था विद नॉर्मल कर्व, जो हम जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद है हमारा नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट। अगर ये जो डॉट्स हैं ये जितने ज़्यादा इस बार के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर कोई डॉट इस बार से ज़्यादा ज़्यादा दूरी पर है, ज़्यादा इससे दूर है, तो ये हमारे आउटलायर्स कहलाते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो इससे आपको ज़्यादा दूर मिलेंगी इस बार से। अगर ये डॉट्स जितने ज़्यादा इसके क्लोज होंगे, उतना ही हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसके बाद हमारा आता है बॉक्स प्लॉट। जो ये बॉक्स प्लॉट है ये आपके जो होते हैं क्वार्टाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल्स को शो करता है। क्वार्टाइल्स ये जो नीचे का जो वैल्यू है ये है आपकी फर्स्ट क्वार्टाइल और Q1, और जो ये वैल्यू है ये आपकी Q3, जो ये इनका डिफरेंस है Q1 Q3 का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप जो आउटलायर्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो बार्स हैं ये आपके आउटलायर्स को शो करती हैं, अगर इनसे ऊपर कोई वैल्यू होगी तो वो आउटलायर्स में काउंट होगी। तो ये थे हमारे SPSS के अंदर डिफरेंट मेथड्स जो नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।